परमाणु बम के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता था कि परमाणु बम की परिकल्पना सबसे पहले अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार एचजी वेल्स ने की थी? यही सच है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1914 में एचजी वेल्स की किताब द वर्ल्ड सेट फ्री प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने यूरेनियम से बनने वाले एक ऐसे बम की परिकल्पना की थी जो अनंत काल तक फटता ही रहेगा। कल्पना की गई थी कि इस बम की ताकत भी असीमित होगी। वेल्स ने तो यहाँ तक सोच लिया था कि इसे हवाई जहाज से जमीन पर गिराया जाएगा, पर वेल्स ने शायद ये नहीं सोचा था कि उनके एक दोस्त विंस्टन चर्चिल और भौतिक शास्त्र के एक वैज्ञानिक लियो स्विजर्ड उनकी परिकल्पना को सच्चाई में बदल देंगे। उस समय यह माना जाता था कि ठोस पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से बना होता है। साइंस म्यूजियम के क्यूरेटर एंड्रयू नेहम का कहना है, जब ये साफ हो गया कि रदरफोर्ड के परमाणु में सघन न्यूक्लियस हैं, तो ये समझा गया कि ये वो एक स्प्रिंग की तरह है। एचजी वेल्स नई नई खोजों से काफी प्रभावित थे। यह भी देखा गया कि वो आने वाले आविष्कारों के बारे में पहले से ही अनुमान लगा लेते थे, जो कई बार सही साबित होते थे। ब्रिटिश राजनेता चर्चिल ने एचजी वेल्स के नोट्स पढ़े और बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। वे खुद भी साहित्यकार थे, उन्होंने वेल्स से मुलाकात भी की थी। नारंगी के आकार के परमाणु बम के बारे में सबसे पहले सोचने का श्रेय ग्राहम फार्मुलो को है, लेकिन ये एचजी वेल्स की किताब से सीधे तौर पर से जुड़ा हुआ था। ब्रितानी वैज्ञानिकों ने 1932 में परमाणु को विखंडित करने में कामयाबी हासिल कर ली। हालांकि उस समय भी ज्यादातर लोग ये मानते थे कि इससे बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा नहीं निकल सकती। उसी साल हंगरी के वैज्ञानिक लियो इसजीलर्ड ने वेल्स की किताब द वर्ल्ड सेट फ्री पढ़ी थी। उन्होंने इस पर यकीन किया कि परमाणु के विखंडन से बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा निकल सकती है। उन्होंने इस पर एक लेख भी लिखा जो वेल्स के विचारों के बहुत ही नजदीक था। इसजीलर्ड ने ही सितंबर 1933 में चेन रिएक्शन की बात कही थी। उन्होंने लंदन के रसल स्क्वायर पर ट्रैफिक सिग्नल को देखा तो उनके दिमाग में ये बात आई। उन्होंने लिखा, मेरे मन में यकायक ये ख्याल आया कि अगर परमाणु को न्यूट्रॉन से तोड़ा जाए, जिससे दो न्यूट्रॉन निकले और उसमें से एक न्यूट्रॉन निकलकर फिर ऐसा ही करने लगे, तो मुझे लगता है कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक इसी समय नाजियों का दबदबा बढ़ रहा था और इसजीलर्ड से काफी परेशान थी। साल 1945 में चर्चिल ब्रिटेन का संसदीय चुनाव हार गए। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने लॉस एलामोस के वैज्ञानिकों को छोटे बजट पर ही सही परमाणु बम बनाने को कहा। एचजी वेल्स की मौत 1946 में हो गई। वो उस समय द शेप ऑफ थिंग्स टू कम फिल्म पर काम कर रहे थे। उन्होंने उसमें भी इस बम की बात कही थी। amarujala.com